मोहल्ला क्लिनिक में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, ये दिखाओ तस्वीर देखो। हाँ, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। ये देखो कूड़ा, इधर गली में कूड़ा है, देखो तुम्हें देखो आओ तुम। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे ही कूड़े पड़े हुए हैं। इसी तरह सुबह आके देना कितना बुरा हाल हो जाएगा। आम जो जनता है वो रात को आती है, पैकेट बना के फेंक के चली जाती है। कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, मगर झेलना तो हमें पड़ रहा है। गाड़ी आती है नहीं उठा के ले जाती है, बोलो क्या करोगे आप। अब ये दुर्गा पूजा आ रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रोग्राम देखेंगे तो कूड़ा नहीं उठेगा, कौन आएगा बताइए आप। 15 साल से देख रहा हूँ कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहा है, कूड़े ऐसे ही पकड़ने के बाद गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। मेरे को यार नहीं पता, चोरी चकारी सब होता है, सब होता है। आप यही रहते हो? मैं यहाँ रहती हूँ झुग्गी में सामने। ये कूड़े उड़े सब ऐसे ही पड़े रहते, पहले रहते हैं। पार्किंग देख रहे हो वहाँ तक, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखो अब ये बता रहा, पीछे कोई इंजेक्शन लगा रहा है, ये दिखाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है गोविंदपुरी इलाके में। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार दावे करती है साफ सफाई की। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, लेकिन साफ सफाई की जो स्थिति है वो आपके सामने है। कूड़े के ढेर ऐसे ही पड़े हुए हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार ऐसे ही कूड़े पड़े हुए हैं। लोगों की तमाम समस्याएं लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी बगल में और उसके बगल में इतने सारे कूड़े पड़े हुए हैं MCD में। अब आम आदमी पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कूड़े के ढेर पे दिल्ली पड़ी हुई है। आखिर ये कूड़े कब साफ होंगे? लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा भी है, जिस तरह से देख लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ के लोग हैं देखो। हाँ, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, ये देखो कूड़ा, इधर गली में कूड़ा है, देखो तुम्हें देखो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे ही कूड़े पड़े हुए हैं। इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक के बगल में हम लोग खड़े हैं और ऐसे ही। अच्छा, आज यहाँ से, अच्छा यहाँ भी कूड़े का ढेर लगा हुआ रहता है, लेकिन आज उठ चुका है। ऐसी तमाम समस्याएं दिल्ली में हर जगह पड़ी हुई है, कूड़े कब उठेंगे? हर जगह जहाँ भी जाओ लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि कूड़े से गंदगी हो रही है, गंदगी, साफ सफाई नहीं हो रही है, MCD वाले नहीं आ रहे, और आते भी हैं तो वो कूड़े नहीं उठाते। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तमाम समस्या है, लेकिन काम नहीं हो रहे। इस पर बात करेंगे। कब कूड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं? कूड़ा ऐसे ही पड़ा था, देख लो सामने। अच्छा, ऐसे ही पड़ा रहता, रोज देखना, सुबह आके देना कितना बुरा हाल हो जाएगा। आम जो जनता है वो रात को आती है, पैकेट बना के फेंक के चली जाती है। कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, मगर झेलना तो हमें पड़ रहा है। गाड़ी आती है नहीं उठा के ले जाती है, बोलो क्या करोगे आप। अब ये दुर्गा पूजा आ रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रोग्राम देखेंगे तो कूड़ा नहीं उठेगा, कौन आएगा बताइए आप। हाँ, ये तो है। आपने शिकायत की कभी? हाँ, बोला है हमने। अच्छा, फिर भी कोई उठाने वाला नहीं? कोई नहीं। अच्छा, कोई उठाने वाला नहीं था, तो इस तरह लोग साफ कह रहे हैं कि कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही कूड़े पड़े हुए रहते हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से देख सकते हैं, ऐसे आप जहाँ भी जाएंगे जिधर भी कूड़े ऐसे ही पड़े रहे। कब से कूड़े पड़े हुए हैं ऐसे भाई साहब? हम तो किराएदार, हम तो 10-15 साल से देख रहा हूँ कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहा है। कूड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे कोई नहीं साफ करता है। अच्छा, कभी शिकायत किया आपने? हम तो किराएदार, हम का शिकायत करेंगे? अच्छा, मैं देखता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कुछ काम किया है। हमें इससे मतलब नहीं है सर, मैं 15-20 साल किराए पर रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं ऐसा। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पर, मैं तो यही देखता हूँ, यही कूड़ा पड़ा रहता है ऐसे ही। साफ सफाई नहीं होती है? नहीं। ऐसे में तो मैं बंदे ने झाड़ू लगा के ये साइड करा है, इस बंदे ने पूरे पार्क की झाड़ू लगा के सफाई करी, कभी माल ही नहीं आता, कभी माल ही नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। इस पार्क में इतना गंद रहता कि पूछो मत, बहुत गंद रहता। मोहल्ला क्लिनिक की वजह से दुनिया भर के कोई गांजा पीता, कोई कुछ पीता, इसकी हाल में दुनिया भर के शाम को आके देखो कितना बुरा हाल होता है यहाँ पर। 7 बजे के बाद आके देखना कितना बुरा हाल होता है। यहाँ गांजा पीते हैं? हाँ, शाम के टाइम देखना, 7 बजे का तुम्हें दिखा दूंगा मैं, डेली 7-7:30 बजे का देखना, सब पीते खाते हैं यहाँ पर, मिलेंगे। तो आप लोगों ने भगाया? अरे भैया, कौन लड़ेगा उनसे, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? ये गांजा चरस गांजा है, ज्यादा है। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक के बाहर गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं? मेरे को यार नहीं पता, चोरी चकारी सब होता है, सब होता है। आप यही रहते हो? मैं यहाँ रहती हूँ झुग्गी में सामने। ये कूड़े उड़े सब ऐसे ही पड़े रहते, पहले रहते हैं। पार्किंग देख रहे हो वहाँ तक, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिलती जाने की, रास्ता भी नहीं मिलता। हाँ, तो कभी शिकायत? देखो गाड़ियाँ देखो कैसे लग रही, गली का रास्ता देखो, रास्ता गिर रखा है, बोल किससे बोले हैं अब यहाँ पर? बिल्कुल रास्ता नहीं है, देखो आम जो गली का, अभी दिक्कत हो जाए किसी को, रास्ता बंद हो तो कैसे निकलेगा गली के बाहर? बिल्कुल सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है वो। लोग पैसे लेते हैं, हफ्ता लेते हैं,
ये रेडियन लगवाने के इसके उसके सब हफ्ता लेते हैं, सब मिले हुए हैं। पुलिस वाले यहाँ की सरकार मिली हुई है, हमारे इंडिया के लिए मोदी जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, पर यहाँ के तो ये पुलिस वाले ये सारे मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ, मैं तो सामने बोलूंगी। हाँ, सही बात है। हाँ? और क्या दिक्कत है आपको? बहुत कुछ दिक्कत है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत है। लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत, अच्छा। सरकारी जो लैट्रिन बाथरूम है उसकी भी दिक्कत है, अच्छा। उसकी सुनवाई नहीं है, अच्छा। अब थोड़ा काम चल रहा है, 5-6 साल से इतने परेशान थे। अच्छा, परेशान थी। हाँ। अच्छा, जो उन्होंने वादे किए थे कि ये काम हो, कुछ नहीं हो रहे। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हो रहे। काम आप कूड़ा देखो यहाँ से, माता देखो, जो मर्जी लफंगे लफाड़े इधर उधर भटकते रहते। जैसे कि अब अगले साल चुनाव होना है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी तो अब की बार भी नहीं आई। अच्छा, अगली बार भी अगर करेंगी काम तो आ भी सकती है। अच्छा, मतलब काम तो उन्होंने जैसा आप लोगों बता रहे हैं कूड़े पड़े करती हैं काम। अच्छा। करते हैं, पर यहाँ के लोग बड़े हरामी हैं। अच्छा। हाँ, मिले जुले हैं। अच्छा, लोगों की क्या गलती है? कोई पार्टी भी आती है सब अपना काम करती है। अच्छा, ये हमारे चंद्रप्रकाश जी भी खूब अच्छा काम कर रहे हैं, अतीशी भी करवाती है, पर यहाँ के लोग इतने हरामी है। लोगों की क्या गलती है भाई साहब? लोगों की गलती है, ये बताएंगे, ये बताएंगे। अच्छा, दादागिरी। अच्छा, किस चीज की दादागिरी लोग करते? अब मैं ये नहीं बताऊंगी खुल के किस चीज की दादागिरी। दादागिरी करते हैं क्यों? मेरे भी तो बच्चे हैं, मतलब काम नहीं करने देते हैं। हाँ, जो भी है हमें नहीं पता। सड़कें बंद है तो उसको बनने नहीं देंगे ये? हाँ, सड़कें बड़के सब बनती है, सब कुछ चीजें और चीजों में बहुत चीजें हैं। अच्छा, बहुत ऐसी समस्या उनकी चलती है योजनाओं की। अच्छा, ठीक है, वो तो हर जगह होती है, पर सरकार अपना काम करती है। जब मोदी हो, अतीशी हो, हाथ कांग्रेस हो, चाहे कुछ भी, सब करते हैं। और देखो कितना है, गाड़ी देखो कितनी लग रही, देखो आप देखो। अच्छा, बिल्कुल रास्ता नहीं है, देखो आप। हाँ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ गाड़ियाँ। हाँ, देखो गलियाँ गली रोक रखी, देखो ये पार्क नहीं है, देखो बिल्कुल रास्ता नहीं है गली के, बिल्कुल इधर बीच में गाड़ी लगा। एक अगर हम लोग भी अगर जैसे चाय की दुकान खोल लें, मैं विधवा हूँ, मैं चाय की दुकान खोल के, मुझे भगा देंगे यहाँ से? अच्छा, पुलिस वाले भगा देंगे? हाँ, पैसे ले, पैसे। हाँ, बस यही बात है। साफ सफाई, ये हमारी सरकार कुछ करे ना इनके लिए। अच्छा, सरकार को कुछ साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है। आम आदमी पार्टी, अब तो साफ सफाई होनी भाई साहब नहीं हो रहा ना काम, जब भी तो आप आपके सामने देख रहे हो, बिल्कुल नहीं हो रहा काम आपके सामने लगाते। देखो अब ये बता रहा पीछे कोई चर्सी, यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे, ये दिखा, आइए देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ तो इधर, किधर क्लिनिक है और आप मोहल्ला क्लिनिक में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, ये दिखाओ तस्वीर, यही काम होता है यहाँ पे चरस गांजा यही सब चल रहा है। और क्या कर रही है सरकार और पुलिस प्रशासन, ये सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी कि जब अब अरविंद केजरीवाल अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद आते हैं तो क्या कुछ काम करेंगे। आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, नमस्कार।